अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिकन मलाई बोटी कढ़ाई। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैंने एक बाउल में आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, मैंने 3 हरी मिर्चें लेकर इनको भी ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। और अगर आपको मिर्चें ज़्यादा चाहिए तो 1-2 और डाल दें। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप क्रीम, और क्रीम आप कोई भी टेट्रा पैक की यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्रीम ज़्यादा पसंद है तो 1/2 कप डाल दें। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप दही। दही को मैंने एक बाउल में निकाल कर फेंट लिया था। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 1/2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैंने बनाते टाइम डाल दिया था। अगर आप चाहें तो इसी टाइम नमक डाल दें। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैं कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। मैरिनेट किया हुआ चिकन डालूंगी। चिकन को आप एक एक बोटी अलग करके निकाल के रखें और वही डालें, क्योंकि बाद में जो इसका मिक्सचर रह जाएगा उससे कढ़ाई बनाएंगे। चिकन में नमक डालूंगी हसबे जायका, क्योंकि मैं डालना भूल गई थी। और इसको मिक्स करके 20 मिनट तक रख दूंगी लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। चिकन तैयार है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी या मसाला रह जाए तो उसको आप हाई फ्लेम पे करके खुश कर लें। और अब मैं इसको अलग से प्लेट में निकाल के रख दूंगी। अब सेम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे और उसको मेल्ट कर देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जो चिकन का मैरिनेशन वाला मसाला रह गया था वो डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। चुके हैं। अब इसमें हमने जो चिकन पहले बना लिया था वो डाल देंगे। चिकन डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और ये तैयार है। अगर आप चाहें तो बारबेक्यू फ्लेवर के लिए इसमें कोयले का धुआं दे सकते हैं। अब बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, और डिश आउट करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।